जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों कि हमारा जो ये लेक्चर क्यूके रीजन का चल रहा है उसमें AOD दैट मीन्स कैलकुलस का हमने पार्ट उठा करके हम आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी के सिक्वेंस में आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया दोस्तों वो है हमारा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन दैट मीन्स त्रुटि एंड सन्निकटन मान। किसी भी फंक्शन में कितना त्रुटि हो सकती है, ठीक है। फंक्शन मतलब कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पे किस तरीके से बेस्ड ऑन है, पहले वो हमको फाइंड आउट करना होता है। या तो दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो पहले एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट करा लिया जाता है। अगर दोनों क्वांटिटी आपस में मिक्स हैं तो हम क्या करते हैं किसी भी एक क्वांटिटी को दैट मीन्स वाई या एक्स को या तो एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होने दीजिए, हम उसको किसी के एक टर्म में क्या करते हैं उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डिपेंडेंट मतलब एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट और दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिपेंडेंट। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर एक क्वांटिटी में अगर हम इतनी एरर करते हैं या इतना इसमें चेंजेस लाते हैं तो इस पे बेस्ड ऑन इस क्वांटिटी पर कितना चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड उस पर अगर आपको त्रुटि के बारे में बात करें, अप्रोक्सीमेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपके दिमाग में तुरंत ये फार्मूला दौड़ करके आ जाता होगा कि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है दोस्तों, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल टू आई होप आपको दिख नहीं रहा है दोस्तों, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई क्या बताता था बचपन में, जैसे हम लोग सेवन्थ एट में पढ़ते थे तो उस पर क्या था, सेवन्थ एट नाइन्थ में अगर हमें डेल्टा वी लिख दिया जाता था तो हम बोलते थे वी टू माइनस वी वन, दैट मीन्स बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू को माइनस करके उसका चेंजेस निकाला जाता था। लेकिन वहाँ पर केवल एक क्वान्टिटी के ऊपर निकाला जाता था, यहाँ पर किसी एक क्वान्टिटी पर दूसरी क्वान्टिटी क्या है, डिपेंडेंट है। डिफ्रेंशिएशन भी बताया गया था, आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखेंगे हमारा तो हमने उसमें डिस्कस किया है, डेल्टा T=T2-T1 हमने डिस्कस वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वहाँ पे समझ में आया हो, डेल्टा टी का मतलब होता है डेल्टा एक्स का मतलब, डेल्टा वाई का मतलब कितना चेंजेज है, क्या है चेंजेज। इसकी यूजेज आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एरर में ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एंड जितने भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होती हैं जिसमें आपको एरर एनालिसिस करके कोई चैप्टर आएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे चीज़ें। सो लेट बिना किए हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है, और समझना पड़ेगा इसमें डेल्टा वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है। तो जो डेल्टा एक्स है ना वो चेंजेज है, क्या है चेंजेज है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम स्टेप्स दे दे रहे हैं, स्टेप्स आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे ले लेंगे दिस फार्मूला इज़ वेरी यूज़फुल In the calculation of small changes that means are errors, okay, in the dependent variable comes pending to small changes or errors in the independent variable। बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपको इस फार्मूले का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा हम क्या लिख रहे हैं, बता रहा है इसमें इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, किसके लिए, स्मॉल चेंजेज इन डिपेंडेंट
वेरिएबल कम्स पेंडिंग टू स्मॉल चेंजेस आर एरर्स इन द डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इन डिपेंडेंट डिपेंडेंट ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंडेंट है इस पर हम लोग इसमें देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, अब हम इसका स्टेप्स लिख लेते हैं दोस्तों। स्टेप्स इसका क्या है, स्टेप वन है इसका, स्टेप नंबर वन, डिफाइन ए फ्रैक्शनल किसके लिए स्टेप लिख रहे दोस्तों, कि हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी दूसरे वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर किसी न किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ही होगी, जब वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो वो क्वांटिटी, जैसे y इक्वल टू हमने x लिख दिया, y इक्वल टू मान लीजिए 2x प्लस 3 लिख देंगे, समझते हैं दोस्तों कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो इसमें y है ना, ये क्या है, इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सॉरी ए डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी डिपेंडेंट और एक ऐसा है इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट, ठीक है। जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। y इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, 2x प्लस 3, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो समझते हैं कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स लिख लेंगे, डिफाइन ए फ्रैक्शनल रिलेशनशिप ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन ओके। हम इसको नोट करके दोस्तों आपको फिर से वापस कैमरे पर लाते हैं, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसे, ठीक है। ओके दोस्तों, स्टेप्स हमारे रेडी हैं, देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। डिफाइन ए फ्रैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई बाय ऑब्जर्विंग द गिवन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि y जो है वो क्या हो, डिपेंडेंट एंड x क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिकॉज ऑफ जो फार्मूला दिख रहा है आपको, फार्मूला भी यहाँ पर दिख रहा है, डेल्टा y इक्वल टू क्या लिखा गया है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x लिखा जा रहा है, मतलब बता रहा है कि इसमें कि जो ए y है ना, y है क्या है, डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये डेल्टा वाई की वैल्यू है और डेल्टा एक्स पे डिपेंडेंट है, तो वेरिएबल उसी तरीके के होने चाहिए, ठीक है, समझते हैं आगे। डिनोट द वेरिएबल ऑफ एक्स एट विच वी हैव टू फाइंड वाई बाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एंड फाइंड डेल्टा एक्स। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन गिवन है, वाई का एक्सप्रेशन जो गिवन है, उसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में लिख लेंगे, एंड x की वैल्यू को हम नोट करके डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड स्टेप नंबर थर्ड है, फाइंड dy बाई डी एक्स द रिलेशन ऑप्टेंड, मतलब हम जो वो एक्सप्रेशन गिवन है, हम y को एक साइड कर ही चुके हैं, अब उसको वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। फाइंड द dy बाई डी एक्स बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x चूजन इन स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में जो हमने x प्लस डेल्टा x वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहाँ से इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स में क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे, मतलब जो वैल्यू मिले होगी वहाँ पे x की, उस वैल्यू को हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, स्टेप नंबर फोर्थ है। एंड फाइंड डेल्टा वाई बाई यूजिंग द रिलेशन डेल्टा वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, और हम इस फार्मूले के हेल्प से जो नीचे लिखा जा रहा है, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इस रिलेशन से हम लोग डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई इज वाई प्लस डेल्टा वाई। और ये क्या बता रहा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, अगर एक्स चेंज होगा तो वाई कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर y मतलब x की वैल्यू जो है अगर वो चेंज हो रही है, तो जो इस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है या डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कितना वेरी करेगा,
इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम रे अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करते हैं, मतलब लगभग वैल्यू, सन्निकटन वैल्यू, मतलब आसपास की वैल्यू। ठीक है, आई होप आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रेडी हो गए होंगे। जो दिखने में इतना स्टेप इसके टिपिकल लग रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो आप चुटकियों बजाकर कर सकते हो। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आ रहे हैं अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने। ठीक है, ओके दोस्तों, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ वाई इक्वल टू एक्स द पावर 4 माइनस 10 एंड इफ़ एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99 देन द अप्रोक्सीमेशन चेंज इन वाई। बोल रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 2 टू 1.99 तक चेंज हो रही है, तो बताइए कि y में चेंजेस क्या होगा। एंड इसका सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सामने लिखा गया है, ए सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपांड्स अंडर हीटिंग। ओके, कोई सर्कुलर प्लेट है, मेटल की कोई प्लेट है, उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाई 2%। मतलब जब इसको हीट कर रहे हैं तो इसकी जो रेडियस हो रही है एक्सपांड होगी, कितना हो जा रही है, 2% इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि अगर रेडियस इसकी हीटिंग के पहले कितना थी, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके एरिया में क्या चेंजेस आएगा। अगर इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इसके मतलब जो एरिया है सर्कुलर प्लेट की, जो मेटल बनाई गई है, उसकी एरिया में चेंजेस क्या आएगा। ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, इफ़ y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू x द पावर 10 माइनस x द पावर 4 माइनस 10 एंड इफ x चेंजेज फ्रॉम 2 टू 1.99 देन द अप्रॉक्सीमेशन चेंजेज इन y। दैट मीन्स सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, गिवन क्या अपने को गिवन है, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 1.99 एंड x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2, x इक्वल टू 2, सो 2 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 1.99। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा x इक्वल टू 1.99 माइनस 2, दैट मीन्स डेल्टा x इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 0.01। डेल्टा x की वैल्यू मिल गई कितना आपको। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको हमें विद रेस्पेक्ट टू x इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, गिवन दैट y इक्वल टू x द पावर 4 माइनस 10 डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट वी गेट, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका पावर उतार के ना एक पावर इसका क्या करेंगे, कम करेंगे, 4x³ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहला लेक्चर देख लिएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एंड जो 10 है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव में से क्या मिलता है, 0, सो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 4x³। ओके, अब अपने को पता है कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू क्या है, 2, सो dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, dy by dx की वैल्यू कितना है, 4x³। ओके, सो dy by dx एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू 8 मतलब 32। ओके, अब चेंजेस निकालना किस में, y में चेंजेस कितना है वो देखना अपने को। ठीक है, सो डेल्टा y इक्वल टू फार्मूला है dy by dx इंटू डेल्टा x। ओके, सो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली अपने को, 32 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है, माइनस 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 0.32। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला स्टेप हमने क्या किया, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1.99 तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1.99। एंड आपको जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, पहले वाली वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो x की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, x की वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझते हैं, 2 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 1.99, तो ये 2 जो प्लस में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो डेल्टा x की जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी आपको, 1.99 है,
छोटी वैल्यू है और एक ऐसी वैल्यू है बड़ी वाली वैल्यू है, तो कम में से ज़्यादा माइनस होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 0.01 मिलेगा। अब हम थर्ड स्टेप में लिखाए हैं कि इसको हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 4x³, ठीक है, माइनस 0, बिकॉज इसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा। अगर आप डेरिवेटिव सीख चुके होंगे, आई होप कि आप देख लिए होंगे वीडियो, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देख पाए जाके देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब समझते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो इसका वेरिएबल के ऊपर पावर है ना, उस पावर को नीचे लाइए और एक पावर उसका क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिए। तो यहाँ पे पावर कितना है, 4, और 4 में से पावर 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 3, मतलब 4x³, ठीक है। और 10 मतलब कांस्टेंट है, इसके साथ x दिख रहा है क्या, नहीं ना, जब x नहीं दिख रहा है क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट है तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें कुछ तो डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, 4x³ मिला। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिली है ना, उसको हमें किस पे चेक करना है, x पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ से आपको मालूम है कि x इक्वल टू क्या है, 2 है। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 4x³, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 × 2³, 4 × 2³ मतलब 4 × 8, दैट मीन्स 2³, दैट मीन्स 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8, 4² मतलब 4 × 8, दैट मीन्स 32, ठीक है। सो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, दैट मीन्स 32 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिली है अपने को, यहाँ पे माइनस 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.32 मिलेगा। यही इसका क्या आएगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट चेंजेस देखना है तो भी देख सकते हैं आप, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका एसएस ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं, ओके। आई होप आप नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ओके। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स में भी मिल सकता है एंड मैथ्स में तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स से भी रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। समझते हैं, दोनों से आंसर सेम आते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है। समझते हैं इसको, क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है जो रेडियस है, पहले बता रहा है कि कोई सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपांड अंडर हीटिंग, ठीक है। कोई सर्कुलर मतलब कोई वृत्ताकार मेटल मतलब धातु का कोई क्या है, प्लेट है, वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। जब उसको गर्म किया जा रहा है तो क्या हो रही है, हीट हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि जो एक्का गाड़ी जाती है उसके ऊपर जो लोहे का हाल चढ़ा दिया जाता है, तो पहले उसको क्या किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है। एक्सपांड करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है उसके अंदर। तो जब वो लोहा ठंडा हो जाता है तो पूरी तरीके से उसको क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो पहले लकड़ी का वो होता है, सर्कमफेरेंस होता है, मतलब चक्का जिसको बोलते हैं, व्हील जिसको बोलते हैं, उसके साइज का उसको कट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको हीट करके थोड़ा सा फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद जब वो फैल जाता है, उसको हीट करेंगे चारों साइड, तो उसका चारों तरफ में रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो उसको उसमें व्हील को डाल दिया जाता है, डालने के बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो लोहा उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। वही कुछ सेंस यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेज बाय 2%, इसकी रेडियस जो थी पहले का कितना इंक्रीज हो गई, 2% इंक्रीज हो गई। द अप्रॉक्सीमेशन इंक्रीज इन द एरिया, अब बोल रहा है कि इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, किसमें, एरिया मतलब क्षेत्रफल में इसकी कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, कितना वृद्धि क्षेत्रफल में होगा ऑफ द प्लेट, प्लेट के। इफ़ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 cm, बोल रहा है कि अगर रेडियस को हीट नहीं किया गया था इसके पहले, सॉरी, अगर सर्कुलर प्लेट को हीट नहीं किया गया था तो उसके पहले उसकी जो रेडियस थी, दैट मीन्स उसकी जो त्रिज्या थी कितना थी, 10 cm थी। कितना था, 10 cm। समझते हैं क्या गिवन है अपने को, देखिए 2% गिवन है ना, तो आप ध्यान समझिए कि किसकी वैल्यू दिया है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू कितना गिवन है, 2, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 2, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे आर इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 10 cm, ठीक है। सो डेल्टा आर अपॉन 10 × 100 इक्वल टू क्या, 2, 8, 10, 10 को मारेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डेल्टा आर इंटू 10 इक्वल टू 2। सो डेल्टा आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको,
टू अपॉन टेन। ओके, आप एक्स भी ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा करें तो आप एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, इसको आर लिए हैं। अगर चाहिए तो आप यहाँ पे एक्स ले लेंगे तो थोड़ा सा आपको फार्मूले में पुटिंग करने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, दैट मीन्स पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वेयर, दैट मीन्स रेडियस का स्क्वेयर। तो रेडियस हम यहाँ पर क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं। सो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। वाई इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर, तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, पाई कांस्टेंट है कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टू पाई एक्स। ओके, ठीक है, अब समझते हैं। एट एक्स इक्वल टू टेन सेंटीमीटर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टेन, दैट मीन्स टू पाई इंटू टेन, दैट मीन्स 25, ठीक है। अब इसके डेल्टा वाई में चेंजेस क्या आएगा उसको देखते हैं ना, समझते हैं इसको। सो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, ठीक है, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आप देख रहे हैं क्या है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ए और टू को इसमें यूज़ कर लीजिए तो आप समझ रहे हैं ना, डेल्टा वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है कितना है, 20 पाई, 20 पाई पुटअप कर देंगे इंटू डेल्टा एक्स क्या मिला आपको, 2 अपॉन 10, तो 2 अपॉन 10 पुट कर देंगे, इसको ये मार देगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 2 जा 4 पाई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसकी रेडियस को हम कितना बढ़ा दें, 2 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 4 पाई बढ़ जाएगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस का क्या है, स्क्वेयर है, वाई इक्वल टू क्या है, पाई एक्स स्क्वेयर है। पाई का तो स्क्वेयर नहीं है लेकिन रेडियस का स्क्वेयर है। अगर आप रेडियस को 3% बढ़ाइएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 9 पाई बढ़ेगा। अगर रेडियस आप 4% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल, 16 पाई बढ़ेगा। अगर आप इसको 5% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 25 पाई बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसको, उसमें हम सिखाएंगे आपको रूट कैसे निकालते हैं, रूट की वैल्यू। जैसे समझिए, इस तरीके से वैल्यू लिख दिया गया है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाले हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा हमारा, एंड उसमें हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, रूट के अंदर की वैल्यू को बाय कैलकुलस मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।